किस्सा चल रहा है कातिल भाई माजाई बहन का कत्ल। सजनों, 2.5 लाख रुपए लेकर के परमिला का माजा है भाई करण सिंह अपने घर आ गया और उसे जुए और शराब में सब पैसे को लुटा दिया। और फिर दिमाग में ये आई, ऐसा ना हो मेरी बहन परमिला मेरे बहनोई सुनील से ना बता दे, कहीं ये पैसा वापस ना करना पड़े। दिमाग ने काम किया, जालिम ने सोचा कि अपनी बहन परमिला को क्यों कत्ल किया जाए, क्यों नहीं कत्ल किया जाए, और कत्ल होने के बाद ये पैसा मुझे वापस नहीं करना पड़ेगा। अभी परमिला ने अपने मालिक सुनील यानी मेरे बहनोई को बताया नहीं होगा। 4 दिन बाद पहुंच गया, चलो बहन जल्दी माँ बीमार है, गाड़ी में बिठा ली। सजनों, हापुड़ रेलवे स्टेशन को पार होते ही जालिम ने गाड़ी रोक दी, 4 बदमाश थे साथ में। कहने लगी बहन परमिला, भैया गाड़ी क्यों रोक रहे हो? परमिला, कहिए भाई। हम गाड़ी इसलिए रोक रहे हैं, पता है क्यों रोक रहे हैं? हाँ बताइए भाई, क्या बात है ऐसी? अभी बताएंगे सारी बात। उतरो। अरे क्यों मारू तीर रोक दई, जल्दी गाड़ी से नीचे आ जाओ परमिला। लेकिन भैया ऐसी बात क्या है करण सिंह? बताऊंगा सारी बात। तन क्यों मारू तीर रोक लई, मेरे भैया भेद बताया ना, तेरी भैया मरिया समझ लेना, इब जाता हाल सुनाया ना, जाता हाल सुनाया ना। तन क्यों मारू भैया भेद बताया ना, भैया मरिया समझ लेना, इब जाता हाल सुनाया ना, जाता हाल सुनाया ना। लेकिन भैया करण सिंह भैया आप क्या कर रहे हैं? परमिला बहन, आज भाई और बहन का बंधन टूटने जा रहा है। ऐसी क्या बात है भैया करण सिंह? ये तो सारी बातें अब मैं बहन बताऊंगा ही, छिपाना ही क्या है। करे इंतजार तेरी, हेरा फेरी ना जानी मने, हेरा फेरी ना जानी कभी, तू ऐसा फरमाया ना। तेरे लिए जल्लाद बनिया मैं, जागा रहम दिखाया ना, जागा रहम दिखाया ना। क्यों मारू रोक दई मेरे भैया भेद बताया ना, भाई मरिया समझ लेना, इब जाता हाल सुनाया ना, जाता हाल सुनाया ना। समझ कुछ पाया ना, तू मर गीत माल में
कति लुबकाया ना तू मारू तिरो कदई मेरे भैया भेद बताया ना भाई मर्या समझ लेना इब जाता हाल सुनाया ना वापस मांग बहना तू तू पापी बन रहे मैं त्यागरा तू पापी बन रहे मैं त्यागरा ये मेरा मा जाया ना दिल में लोभ समा जारी बेबे जाता धर्म निभाया ना तू मारू तिरो के दई मेरे भैया भेद बता मर्या समझ लेना इब जाता हाल सुनाया ना जाता कदी मिटाया ना इंद्रपाल सिंह तिगरी में दुश्मन ते घबराया ना अरे क्यों मारू तिरो के दई मेरे भैया भेद बताया ना भाई मर्या समझ लेना इब जाता हाल सुनाया ना बेदर्दी भाई करण सिंह हत्यारा अपने चार साथी बदमाशों को इशारा करता है सामने परमिला खड़ी हुई है मेरे बहादुर साथियों क्योंकि 2.5 लाख रुपए का बड़ा जबरदस्त लोभ था सजनों कहने लगा इसे दूर ले जाओ परमिला को और इसका खून कर दो इसके रोने चीखने की आवाज मेरे कानों तक ना आए सजनों परमिला के दिल में दहशत सवार हो जाती है और कातरवाणी से कहने लगी मेरे भैया करण सिंह मेरी बात सुनो तू मत ना बने लालची कर मेरे पैसान मन काली गऊ मान के बस मेरी बकस पे जान मत ना बने लालची कर मेरे पे एहसान मन काली गऊ मान के बस मेरी बकस दे जान हाथ मलेगी जन के
के कहे जहान, मन काली गऊ समझ के आज मेरी बकस दे जान। अगर मरी चाहवे तो जहर खा मरूंगी, मगर तेरे सर पर भैया दोष ना धरूंगी। तेरी चर्चा नहीं करूंगी ना कहूँ रतन बेईमान, आज काली गऊ मान के तुत मेरी बकस दे जान। रात है अंधेरी लिया माँ का बहाना, मैल को मिटा दे रे भ्राता प्रेम को जगाना। मेरे भैया मने बचाना के बतू ही मेरा भगवान, आज काली गऊ मान के तू मेरी बकस दे जान। अरमान जो मैं कहती हूँ कभी पछतावे, आएगा राखी बंधन रखड़ा तू लखावे। इंद्रपाल बनावे है तगरी में स्थान, काली गऊ मान के आज मेरी बकस दे जान। मत ना बने लालची पर मेरे पहचान, मन काली गऊ मान के आज मेरी बकस दे जान। प्रेमी सजनों, गुंडों को इशारा कर दिया करण सिंह जालिम ने। आज बेदर्द के दिल में रहम नहीं आया माँ जाई बहन, कैसे छाती पर पत्थर की शिला धरी। गुंडे पर मिला कि कलाई पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। सजनों, एक सभ्यता के साथ में जो बर्तावा किया जाता है वो सल्लूक गुंडे नहीं कर रहे। काया कांपने लगी पर मिला की हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, मेरा हाथ छोड़ दो। ऐसा मत करो भैया करण सिंह, क्या करवा रहे हो। लेकिन गुंडे करण सिंह के आदेश का पालन कर रहे हैं और क्या थरथर जवाब दे रहे हैं। ऐ परमिला, कहिए क्या बात है। इधर चलो हमारे साथ। लेकिन क्यों, ये तो हम जानते हैं आज तेरी इज्जत तारेंगे। मैंने कौन सी खता कर दी। खता तैने नहीं तेरे भाई ने की। अरे मेरी इज्जत मत तारो, तारेंगे मैं करू खुशा मंद थारी। अरे बोले मत खामोश खड़ी रे, सुन ले बात हमारी। अरे मेरी इज्जत मत तारो तो मैं करूं गुस्सा मन थारी। बोले मत खामोश खड़ी रे, सुन ले बात हमारी।
गलती होगी मेरी जो इतना पाप कमारे। हसी भर मिला चंगुल में आज भेद पट जा सारे। के गलती होगी मेरी जो इतना पाप कमारे। हसी पर मिला चंगुल में आज भेद पट जा सारे। क्या बात है, अब तुम्हें बोलन चालन का टाइम ज्यादा नहीं मिल पाएगा। वार हो रही है, हमें तमाम काम खत्म करना है। लेकिन इतनी बेशर्माई आपने क्यों साथ रखी है? हमने नहीं, तेरे भाई करण सिंह ने शादी है, उसका हुक्म। अरे बिल्कुल ना सर मारे क्यों तुम, बिल्कुल ना सर मारे क्यों शादी बेशर्माई। समझा देंगे तन समझा देंगे, चुप खड़ी रही ये बद जात लुगाई। भाई ने करा जुलम करण सिंह, भाई ने करा जुलम करण सिंह की ओ गलती सारी। बोले मत खामोश खड़ी रे, सुन ले बात हमारी। अब तुझे हम बोलने का मौका नहीं देंगे। देख हमारे हाथ में ये दुधारी तलवार दिख रही है। भिन्न अधिक किसी को बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं है। आज हमारा मौका है, ऐसा ही करेंगे। अरे धिंगा धिंगी बेइज्जत करना, धिंगा धिंगी बेइज्जत करना, हक नहीं कोई थारा। जीभ काट लेंगे तेरी जो करी बकवास।
कर रहे हैं, कभी उसके कपड़े खींचना चाहते हैं, तो दूसरा गुंडा बराबर में उसे दहतर बैठाता है कि हाथ में नाम से तलवार खींच लेता है। सजनो आज गाया काट रहे हैं, अब हजन और मिला की उसका कोई कसूर नहीं है, उसने तो अपने भाई करण सिंह के साथ में अच्छा ही किया था। उसके बड़े वक्त ने उसे 2.5 लाख रुपया दिया था, लेकिन जालिम करण सिंह ने आज अच्छाई के बदले उसे क्या खिला दिया है, बदमाश सामने खड़े गलत सल्लू कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, किस तरह से सामने खिलखिलाती हुई शर्मिला कहती है, चुप खड़ी रहो शर्मिला, ठहरो ठहर जाओ जल्ला दो, मुझे लगन करने से पहले इससे अच्छा तो ये होगा कि आप मेरी नाव उड़ा दें, ऐसा नहीं करेंगे, मुझे कत्ल कर दीजिए पापियों, पहले तुझे धोपी की तरह से नगर में जाएंगे, तेरा नंगा भाग करेंगे, तेरी इज्जत को लूटेंगे और फिर तेरा कत्ल हम करेंगे, मेरी बात सुन लो बेशर्मो।
ग्रामीण सजनों, जब करण सिंह अपनी बहन परमिला को जल्दी जल्दी करके कि माँ बीमार है इस ओडे से लेके आ रहा था, तो सजनों उसका बहनोई सुनील भी तो घर पर ही था। सुनील भी चिंता व्यक्त हो गए कि परमिला की माँ बीमार है, इसे जाना चाहिए। चार रोज हो गए जबकि वापस आने की बात थी परमिला की, चार रोज तक परमिला नहीं आई, तो सुनील को चिंता हुई और अपनी ससुराल पहुंच गया। अपनी ससुराल जाकर के अपनी सासू तक कहने लगा, सासू जी लौटा बात की कहकर के करण सिंह आया था परमिला को लेकर, चार रोज हो गए घर पर कोई नहीं, इसलिए परमिला को जल्दी तैयार कर दो, मैं लेके जाता हूं। सासू ते जाके न्यू फरमाया, सासू ते जाके न्यू फरमाया, पर मिलान प्यार कर दो, पर मिलान प्यार कर दो, लेवन ने आया, सासू ते जाके न्यू फरमाया। अरे चार रोज पहले माता जी तम थोती बीमार घनी, गया करण सिंह पास हमारे गाड़ी की रफ्तार घनी, परेशान जब भैया देखा बहन हुई लाचार घनी, बोलिया जल्दी चल बहना तू मत ना लिये वार घनी, जमाई की सुन के वा सास घनी घबराई थी, न्यू बोली दामाद मेरे मन बेटी नहीं बुलाई थी, अमन चैन हम ठीक ठाक फिर क्यों बेटी बहकाई थी, करण सिंह ने झूठ बोल के मैं बीमार बताई थी, करके न्यू फरमाया। अरे सुन सासू की बात बहन का लग छाती में बाण गया, सुनील सोच में पड़ गया दर में गद्दारी पहचान गया, न्यू सोचे था के बेराजन भात बहन को ठान गया, मार दैया बेच दई न्यू वो भी पक्का जान गया,
थाने पे मां जाके उसने बैठ दरोगा समझाया। न्यू बोला मेरी बहू पर मिला उसका खोज नहीं पाया। मने दाल में काला लगे करो मदद में न्यू आया। शैतानी साले की लगे नामकरण सिंह बतलाया। प्यार कर दो बुझने लगी। यहां पर मिला कहां है बताया उसका भाई करण सिंह उसे लेके आया था और ये बताया कि मां बीमार है। कह लगी मैं तो बिल्कुल बीमार नहीं थी, ये तो जालसाजी है करण सिंह की। देर नहीं की गढ़ थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई। दरोगा बहुत सख्त था, पुलिस को लेकर के सुनील अब तलाशी में घूम रहे हैं कि करण सिंह की मौत घेर रही। ज्वारी और शराबियों की चौकड़ी में करण सिंह को रंगे हाथ पकड़ा गया। सुनेंगे यहां का हवाला। लिया घेर पुलिस ने करण सिंह बाद कार ली। घेर पुलिस ने करण सिंह बदकार अरे चौगर देश पाही खड़े पापियों को घेर सख्त था दरोगा फौरन उस पे रूल फेरा गया। करण सिंह कौन है नूर दे आवाज तेरा गया। करण सिंह का पण लागा पाप याद सारे आगे। यूं सोचे था जान फसी दिन मौत के किनारे आगे। वाहन को कत्ल करने के सामने नजारे आगे। आगे क्रम अगाड़ी पापी आगे क्रम अगाड़ी पापी रा भर ले अत्याचार। रैलिया घेर पुलिस ने सब बताया था। मुंह मांगा पैसा ले लो नूर लोभ भी दिखाया था। लालची दरोगा को ना पाप सरे आम खुले। किस कारण बहना मरवाई कैसे कैसे काम खुले। कौन कौन मारण वाले थे पापियों के नाम खुले। खुले पाप के मात दरोगा रो रो
सिंह रोवे था फिर सर चरणों में डारण ला जा। उस पापी को रे मार मार के दरोगा भी हारण ला जा। लाग्या बुझन हाल हाँ लाग्या बुझन लाश बता दे धनी करे मतवार रे लिया घेर पुलिस ने करण सिंह बादकार। करण सिंह को गिरफ्तार करने के बाद जहां परमिला की लाश गड़ी हुई थी मौके पर आ गए। मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया, देखा तो परमिला की लाश गड़ी हुई। सजनों लाश को बाहर निकालकर सुनील पछाड़ खा के गिर जाता है। सुनील की रोनी डकराने की आवाज को सुनकर आज तो दरोगा की आंखों में भी आंसू आ गए। सजनों जितने दर्शक जन खड़े हुए थे सबके कलेजे में गम की चोट थी। सबकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। लाश को लेकर के अब तो सुनील अपनी बस्ती में आ गए और अपनी बस्ती के शमशानों पर पहुंच गए। भीड़ लगी हुई है। सजनों इस वाक्य को सुनकर के सभी लोगों को बड़ा दुख हुआ। किस तरह से सोच रहे हैं सुनील, अब मैं क्या करूं, तेरे बगैर जी नहीं सकता। परमिला था गोदी में लाश बहू की, शमशान में आया था और कैसे दे दूं कागज ता मैं हिड़की दे दकराया था। हिड़की दे दकराया था चली क्यों मने बता दे हो सा कारण सा
भैया ने बाण मार दी रे कितना बड़ा जमाना है कितना बड़ा जम और नहीं अब पाना है जो प्यार तेरे से पाया था कैसे दे दूं आग चता में में रख दिया। आज समझ लीजिए भगवान इंद्र ने जैसे गम की वर्षा की हो चौग्रदे शोक छाया हुआ है। आज तो आसमान में भी धूमिलता दिखाई दे रही है, सुनसान मौसम। सजनों चिता में लपटे उठ रही है, समझ लो जैसे सुनील के कालजे में लग रही हूं। मैं अपनी ब्याही के बगैर कैसे रहूंगा। दाह संस्कार हो गया, घर आया, न खाना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है। क्यों? प्रेम विवाह हुआ था, जिसे अंग्रेजी में लव मैरिज कहते हैं। सजनों
सोचता है अब खुदकशी करूंगा, अब मैं जीना नहीं चाहता बगैर उर्मिला के, बगैर परमिला के। अब मैं इस दुनिया में जी भी कैसे सकता हूं, जिंदगी का एक प्यार, जिंदगी की एक बहार परमिला थी। सुनेंगे खुद उसके भाई ने कर पाया बर्दाश्त नहीं, सुनील तबाही ने केला रोवे बहन मार दी, खुद उसके भाई ने कर पाया बर्दाश्त नहीं, सुनील तबाही ने केला रोवे बहन मार दी, खुद उसके भाई।
के सजनों सुनिए इनको, परमिला की मौत बर्दाश्त नहीं हो पाई, अब तो अकेलेपन में खोए खोए से रहते हैं सुनील। सजनों जहर मंगा लिया और खुदकशी करके आज तो सुनील भी स्वर्ग धाम में पहुंच गए। प्रेमी सजनों करण सिंह को आजीवन कारावास होता है और आज परिवार का परिवार समाप्त हो गया। यहीं पर राठौर केसेट के माध्यम से कातिल भाई यानी सगी बहन का कत्ल किस्सा समाप्त किया जा रहा है। श्रोताओं जय हिंद जय भारत।